तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज अक्षय तृतीया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अक्षय तृतीया की तिथि में ऐसा क्या करें कि आपको अक्षय तृतीया का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अक्षय तृतीया या जिसे अक्खा तीज कहते हैं राजस्थान के आम बोलचाल की भाषा में, मारवाड़ियों के आम बोलचाल की भाषा में, यह पर्व वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, या यूं कहा जाए कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही वैशाख मास की अक्खा तीज कहते हैं या अक्षय तृतीया कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है, इसी कारण से इस पर्व को, इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, इसका नाम इसी कारण दिया गया। वैसे तो सभी 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है वो बहुत ही शुभ होती है, लेकिन वैशाख मास की तिथि स्वयं शुद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। हिंदू धर्म में मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्वाध्याय यानी अपनी जो भी साधना है और उसके अलावा जो भी आप शुभ कार्य करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, पुण्य कृत्य करते हैं, उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व हमारी मान्यता में है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी व्यक्ति शुभ व मांगलिक कार्य जैसे खासतौर पर विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी विशेष लग्न शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया की तिथि जो है वह स्वयं सिद्ध तिथि है। नवीन वस्त्र यानी नए कपड़े खरीदना, नवीन आभूषण यानी नए जेवरात खरीदना आदि धारण करना, इनको खरीदना और धारण करना और नई संस्था, समाज आदि का स्थापन करना, उनकी स्थापना या उद्घाटन करने का कार्य जो है इस तिथि में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में ऐसा रेफरेंस मिलता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन पितृपक्ष यानी पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्राप्त करता है, यानी अक्षय तृतीया की तिथि में आप पितरों के निमित्त भी दान पुण्य अवश्य कर सकते हैं, खासतौर पर पिंडदान की प्रक्रिया भी आप संपादित कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से अथवा स्नान जल में थोड़े से चावल डाल करके स्नान करने से, भगवत पूजन से करने के उपरांत भगवान पूजन करने से समस्त प्रकार के जो भी पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि इस विशेष तिथि में कुछ उपाय जरूर कर ले जिससे उनके जीवन के संघर्षों में कहीं ना कहीं से कमी आए, जीवन का जो स्तर है, जो आपकी लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो सके, जीवन का आप बेहतर से बेहतर लाभ ले सकें। क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया की तिथि है ये साल में एक बार आनी है, इस तिथि का महात्मा ठीक वैसे ही होता है जैसे धनतेरस का होता है। तो किस प्रकार आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, और इस बार का संयोग भी बहुत अच्छा है कि यह जो पर्व है यह शुक्रवार के दिन यानी माँ लक्ष्मी की तिथि में पड़ रहा है, तो कौन से उपाय आज करने चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। अगर आज की तिथि में जो भी उपाय मैं बता रहा हूं आपको, इनमें से कोई भी उपाय आपने जीवन में अमल में लाया, आज की तिथि में इनका प्रयोग किया, तो ये विश्वास रखिए कि आपको धन की कमी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं आने वाली है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में यदि कोई टोटका किया जाए तो वह बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है और उसके शुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। इस अवसर पर मेरे द्वारा बताए गए टोटके को पूरे विधि विधान से किया जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी, पैसों की कमी आपको नहीं रहेगी। यह अत्यंत सरल, प्रभावी और तेजस्वी टोटका है जिसका आप अपने जीवन में बहुत आसानी से लाभ ले सकते हैं। आपको करना यह है कि आज की रात में यानी अक्षय तृतीया की रात में साधक को शुद्धता के साथ स्नान ध्यान करके पीली धोती यानी पीले वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और एक आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं तथा सामने लक्ष्मी जी का एक सिद्ध यंत्र स्थापित कर लें, एक यंत्र आप ला करके उसका विधिवत पूजन करके आप उसको स्थापित कर लें
और उसके साथ विष्णु मंत्र से आप उस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, दोबारा उसकी आप पुनर्स्थापना कर सकते हैं। विष्णु मंत्रों का प्रयोग करेंगे यदि लक्ष्मी यंत्र को सिद्ध करने में, तो वो बहुत ही जल्दी शीघ्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद फिर स्फटिक की माला से जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उसका आपको 21 माला जाप करना है। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हों तो आपको बीच में उठना नहीं चाहिए, आपको इस 21 माला का जाप करके ही उस साधना को समाप्त करना और फिर उसके बाद आप उठ सकते हैं। यह मंत्र कौन सा है बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से सुनिए। यह मंत्र इस प्रकार उच्चारित किया जाएगा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं फट। मंत्र पुनः सुन लें, यह मंत्र बहुत चमत्कारी है, आपके लिए बहुत आवश्यक है और आवश्यक यह भी है कि इसका जब आप उच्चारण करें तो वह शुद्ध हो। यह मंत्र एक बार पुनः सुनिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं फट। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। ये तो रही धन प्राप्ति यानी लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने का से संबंधित उपाय। अब जान लेते हैं जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, जिनके चाहे वो कन्या हो या लड़के हो, जिनके विवाह में बाधा आ रही है उन्हें अक्षय तृतीया पर किस प्रकार से उपाय करना है। ये प्रयोग जो बता रहा हूँ ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। इस प्रयोग को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। यह प्रयोग रात के समय किया जाए तो बहुत ज्यादा चमत्कारी होता है। इसके लिए आप एक बाजोट पर यानी एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप उस पर बैठ जाएं। आपको उस चौकी को स्वयं प्रयोग में लेना है। माँ पार्वती का चित्र आप अपने सामने दूसरी चौकी पर स्थापित कर लें या अगर आपके मंदिर में पहले से स्थापित है तो आप उन्हीं का पूजन करें, उनके समक्ष आपको बैठ जाना है। अपने सामने एक दूसरे बाजोट पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी आपको रखनी है। गेहूं पर एक विवाह बाधा निवारण विग्रह स्थापित आपको करना है और चंदन या केसर से उस पर तिलक करना है। अब आप सोचेंगे कि ये विवाह बाधा निवारण विग्रह क्या होता है, ये बाजार में बहुत आसानी से मिलता है और अगर ना मिले तो बहुत आसान है कि आप भगवान शिव और माँ पार्वती का चित्र रख लें, उनका पूजन कर लें। विवाह बाधा निवारण विग्रह आप उनको भी ध्यान करके आप उनमें ही पूजन कर लेंगे तो वो आपकी साधना पूरी हो जाएगी। उक्त प्रक्रिया को पूरी तरीके से ठीक तरीके से करने के बाद हल्दी की माला से निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहले मंत्र बताने जा रहा हूँ ये मंत्र लड़कों के लिए है। इस मंत्र का जाप लड़कों को विशेष तौर पर करना है। ये हल्दी की माला से ही जाप किया जाएगा। ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया बहुत जाना माना बहुत प्रचलित मंत्र है। लड़कों के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। यह मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहीं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप लड़कों को करना है। एक बार पुनः इसका उच्चारण आप सुन लें समझ लें। अगर आपको यह मंत्र यहाँ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने आसपास किसी भी आचार्य से पूछ सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती में लड़कों के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए जो मंत्र बताया गया है वो मंत्र बता दें, निश्चित तौर पर बता देंगे वो आपको। यह मंत्र पुनः सुने, पत्नी मनोरमाम देहीं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह मंत्र जो है विशेष तौर पर इसका प्रयोग लड़कों को करना है। आइए अब बताता हूँ आपको कि लड़कियों के लिए मंत्र कौन सा प्रयोग करना है, उनको किस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है, इसका बहुत आपको ध्यान रखना होगा। ओम गंग ग्रौंग गंग शीघ्र विवाह सिद्धये गौ यह फट। इस मंत्र का जाप कन्याओं को लड़कियों को महिलाओं को करना है। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम गंग ग्रौंग गंग शीघ्र विवाह सिद्धये गौ यह फट। इस मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए। उक्त मंत्र को इन दोनों मंत्र को 4 दिनों तक यानी आप अक्षय तृतीया से आरंभ करके 4 दिनों तक लगातार 3-3 माला का जाप करें। अंतिम दिन समस्त सामग्री को देवी माँ पार्वती के चरणों में किसी भी मंदिर में छोड़ करके आ जाएं। शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा, आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी, विवाह की बात शुरू हो जाएगी। इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए, ये सिद्ध प्रयोग है। अतः मन में इस प्रयोग को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अगर आप कोई संदेह रखते हैं किसी भी प्रकार से तो आपकी साधना जो है वह निष्फल हो जाती है, इस मंत्र का जो भी प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी हार्दिक शुभकामना। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।